दोस्तों, अगर आज भी आप लोग घंटों टाइम वेस्ट करके फोटोशॉप, लाइटरूम या पिक्सार्ट जैसी एप्लीकेशन से अपनी फोटो एडिट करते हैं, तो आज की वीडियो बहुत स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि दोस्तों, अब ये काम आप चुटकियों में कर सकते हैं, जी हाँ, एआई की मदद से, वो भी प्रोफेशनल लेवल पर। बॉस, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस लेवल की हो गई है, आप इस बात का अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं। जहाँ इस तरह की फोटो एडिटिंग में घंटों का समय यार लग जाया करता था, वहीं अब ये काम बस सिर्फ एक ही क्लिक में आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज होने के साथ साथ आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट कर सकते हैं। और ये काम दोस्तों इतना अच्छे से होता है कि कोई भी कह ही नहीं सकता कि ये फोटोज एआई ने एडिट की है। सबसे अच्छी बात है कि दोस्तों, इसके लिए हमें कोई भी एडिटिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है। रिजल्ट्स की बात करें तो काफी अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। सो आज मैं ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन एआई बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा, जो फोटो के बैकग्राउंड चेंज करने के संग संग स्टूडियो लाइट या बैकग्राउंड के हिसाब से बॉस सब्जेक्ट पर लाइटिंग भी क्रिएट करती है, और रिजल्ट्स भी बॉस काफी रियलिस्टिक मिलते हैं। सच में यार, ये एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल की है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। वैसे मेरी इन तीन एप्लीकेशंस में कौन सी फेवरेट है, वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको, और उसे यूज करने का सही तरीका भी आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको काफी बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो प्लीज, चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी जान सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। सो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो में नंबर 3 के संग, स्विच लाइट। दोस्तों, ये एप्लीकेशन काफी ज्यादा कमाल की है। जहाँ पहले इस तरह की फोटोज बनाने के लिए अच्छी स्टूडियो लाइट, महंगे सेटअप की जरूरत होती थी, वही इस एप्लीकेशन के आ जाने से बस एक ही क्लिक में मेरी जान आप आराम से काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको इजीली प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर ही मिल जाती है। खास बात इस एप्लीकेशन की ये है कि इसमें बैकग्राउंड चेंज होने के संग संग ना, फोटो को बैकग्राउंड से मैच करने के लिए सब्जेक्ट पर आर्टिफिशियल लाइट भी क्रिएट हो जाती है, जी हाँ, जिससे फोटो बॉस काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिखती है। और तो और, फोटो के सब्जेक्ट को एआई रीटच भी कर देता है। वैसे इसके रिजल्ट्स हर बार ही काफी ज्यादा अच्छे मिलते हैं, लेकिन अगर आपको फोटो रियलिस्टिक नहीं दिख रही है, तो ऐसे में आप यहाँ ब्लेंड पर जाकर इसको बढ़ा लेना, ठीक है। अपनी फोटो के हिसाब से आपने बढ़ा लिया, फिर इससे आप इसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। यहाँ आप देखिए कितना सही है। देखो गाइस, काफी मस्त है यार, हमारी फोटो बहुत अच्छी बन गई है। कुछ और डिफरेंट वेरिएंट पे भी मैंने फोटो को एडिट किया है, जिसके रिजल्ट्स भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लेंड मोड को आप जरूर से एडजस्ट करके देखिए, जिससे आपकी फोटो रियलिस्टिक दिखे। कैटेगरी की बात करें तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती है, जिनको आप जैसी फोटो आपको बनानी है ना, वैसी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ अपनी फोटो पर ट्राई भी किया, सो इसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे मिले, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। फोटो एडिटिंग करने के बाद आप इस तरह से सेव कर सकते हैं, लेकिन हाँ, देखिए आपको ऊपर की साइड में एक वाटरमार्क शो होगा, जो पेड वर्जन बाय करने के बाद ही आएगा। अगर आप कुछ भी ऐप के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। नाउ अभी बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन की। सो बॉस, हमारी जो दूसरी एप्लीकेशन है उसका नाम है फोटो लीप। मैं इसके प्रो वर्जन का यूज कर रहा हूँ, जो आपको इजिली sreditingzone.com पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन में हमें स्विच लाइट ऐप से कहीं ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल जाते हैं, साथ ही सारे टूल्स दिए गए हैं, AI सेल्फी, AI बैकग्राउंड, AI हेडशॉट, AI अनक्रॉप, और सबसे अच्छी बात है AI ट्रांसफॉर्म के जरिए फोटो में कपड़े वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, लाइक Adobe Firefly के जैसे। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अभी AI सेल्फी पर क्लिक करते हैं, जो काफी ज्यादा कमाल का AI टूल है। फोटो अपनी आप यहाँ से ले लेंगे ना, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कपड़े वगैरह भी सभी चीजें चेंज हो गई हैं। कितने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं यार, सच में बहुत ही गजब का ऐप है। डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं, अमेजिंग यार। मैंने कुछ और वेरिएंट्स भी ट्राई किए हैं, जिसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। इसमें कपड़े भी चेंज हो रहे हैं और मॉडल पर एक लाइट इफेक्ट भी आ रहा है। सच में अब तक की सबसे बेस्ट AI एप्लीकेशन है, और जरूर आप एक बार इस ऐप को ट्राई कीजिए। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ
मेरी तो बॉस बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। एंड देखिए बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज ऐप में यूज की गई है, आप फोटो में डिफरेंस देख सकते हैं। सच है मैं क्या होता, मुझे नहीं मालूम था कि एआई इतना कुछ कर सकता है। चलिए अब कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं जो मैंने ट्राई किए हैं। इसके नेक्स्ट टूल को ट्राई करके देखते हैं। अभी एआई बैकग्राउंड पर क्लिक किया, और अभी रिजल्ट्स देखे, फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हुआ पहले, नाउ अब बैकग्राउंड चेंज हो गया। यार काफी कमाल की फोटो एडिटिंग हो गई, अंतर आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रहा है ना। हमारी फोटो फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो हमें दूसरा रिजल्ट मिलेगा। यार ये भी काफी सही है यार, इसमें भी हमें बहुत सारे डिफरेंट वेरियंट्स मिल जाते हैं जिसको हम ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने कुछ बैकग्राउंड्स ट्राई किए हैं जिसमें मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करके दिखाता हूँ। ओके आप बस रिजल्ट्स देखिए, काफी ज्यादा कमाल के यार, ऑसम यार, कोई भी वाटरमार्क नहीं आता है। वाओ सो नाइस, सच में यार कमाल हो गया। बस एक क्लिक और बैकग्राउंड चेंज, साथ ही लाइटिंग भी क्रिएट हो रही है जिससे फोटो जो है वो रियलिस्टिक दिखे। ये वाली तो बॉस काफी ज्यादा गजब की बन गई है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा, ये भी काफी सही लग रही है। वाओ फोटो यार सच में अमेजिंग यार, पहले कितनी मुश्किल होती थी ना फोटो एडिटिंग, और अब तो बस एक क्लिक कीजिए और कमाल देखिए। यार सच कहूं तो एडिटर्स का तो करियर बॉस मुझे खतरे में दिख रहा है। क्या होगा सोचिए आगे अगर इस तरह से एआई दिन पर दिन और पावरफुल होता रहा। आप रिजल्ट्स देख के अंदाजा लगा चुके होंगे यार, ये एप्लीकेशन कितना कमाल का है, कितना मस्त है। अभी इसी ऐप के नेक्स्ट टूल को देखते हैं। नेक्स्ट है हेडशॉट, जिसमें फोटो का बैकग्राउंड और कपड़े दोनों चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये हेयर स्टाइल वगैरह भी चेंज कर देता है। सो ऐसे में इसके रिजल्ट्स यार इतने एक्यूरेट नहीं लगते हैं। सो नेक्स्ट टूल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है एआई अनक्रॉप, जिसकी हेल्प से हम अपनी फोटो को अनक्रॉप यानी कि साइज को बढ़ा सकते हैं। इसमें डिफरेंट साइजेस दिए गए हैं, जैसे मैं यहाँ यूट्यूब थंबनेल वाला साइज ले लेता हूँ। अभी रिजल्ट्स आप देख ही सकते हैं, एक बार में ना पसंद आने पर आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं, यार ये काफी सही लग रही है फोटो। एप्लीकेशन में दोस्तों हमें मैजिक रिमूवर का ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे मैं यहां इस वाटरमार्क को सिलेक्ट करके बॉस रिमूव कर सकता हूं इस तरह से। और देखिए काफी अच्छे से ये वर्क करता है। अच्छा एक टूल और भी है इसमें बहुत ही खास है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों एआई ट्रांसफॉर्म से फोटो के कपड़े वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ब्रश करना है आपको, अभी यहां ब्लैक टी शर्ट लिख लेते हैं और बूम कपड़े चेंज। वैसे मैंने तो रफली सिलेक्शन किया था, सो मुझे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन जब आप अच्छे से सिलेक्ट करेंगे तो आपको और बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एप्लीकेशन में देखिए और भी कई तरह के टूल्स दिए गए हैं जिनकी मैं फिर कभी बात करूंगा। अभी नेक्स्ट ऐप की तरफ चलते हैं। सो वी आर मूविंग टू नंबर वन एंड इट्स नेम इज फेस ट्यून। बॉस ये एप्लीकेशन भी काफी सही है दोस्तों। इसमें एआई सेल्फी और हेडशॉट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको डिफरेंट फिल्टर्स मिल जाते हैं। सो आप इनको ट्राई करके फोटो के बैकग्राउंड और कपड़ों दोनों को चेंज कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स भी यार काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन फोटो लीप जितनी हाई क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक जरूर मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाता है। सो अगर आपको इसका यूज करना ना तो बॉस एक क्लिक में आप फोटो में एडिटिंग कर सकते हैं। वेल आप मुझे बताइए तीनों एप्लीकेशंस में से आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा, जबरदस्त लगा, प्लीज कमेंट करना। लिंक मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।